एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में सरस्वती अपने बेटे चिन्मय के साथ रहती थी। सरस्वती के पति को गुजरे हुए 10 साल बीत गए थे। तब से सरस्वती गांव में छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। अब चिन्मय लगभग 15 साल का था। अम्मा, मैंने एक काम ढूंढ लिया है। कैसा काम? लकड़ियाँ काटने का काम। पर बेटा, उसके लिए तो तुमको जंगल जाना होगा। हाँ माँ। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, मेरे साथ और भी लोग हैं जो जंगल जाएंगे। और ये देखो, मेरे पास कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है, कोई जंगली जानवर मेरे पास तक नहीं आ पाएगा। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ अम्मा, आप चिंता ना करें। अगले दिन से चिन्मय बाकी लकड़हारों के साथ जंगल जाने लगा। लकड़हारों ने उसे पेड़ काटना सिखाया, वो भी जल्दी जल्दी काम सीख रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बरसात के मौसम में एक दिन चिन्मय अकेले ही जंगल आया। वो लकड़ियां देख रहा था तो सारी लकड़ियां गीली थीं। ये सब तो गीला है, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। चिन्मय घने जंगलों में पहुंच गया। वहां अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक झाड़ियों में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक लड़की अटकी हुई थी और रो रही थी। अरे 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 अरे, तुम यहाँ कैसे अटक गई? चिन्मय ने उस लड़की को खींचा तो उसने देखा कि उस लड़की के पंख भी हैं। ये क्या, तुम्हारे पंख? हाँ, मैं परी हूँ, पहली बार धरती लोग घूमने आई थी। रात के अंधेरे में एक शेरनी मेरे पीछे पड़ी थी, मैं डर के मारे भागने लगी और यहाँ तक आ गई। मैं शेरनी से तो बच गई, पर तब से मैं निकल नहीं पा रही हूँ, मेरे पंख भी घायल हैं। देखो। चिन्मय ने अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियाँ काट दी और परी को आजाद कर दिया। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मेरे साथ घर चलो, तुम घायल हो, इस हालत में उड़ भी नहीं पाओगी, और अगर तुम इस जंगल में रही तो किसी ना किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगी। तुम मेरे साथ चलो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हारे ये पंख, अगर इंसानों ने ये देख लिए तो? कोई नहीं देखेगा। परी ने जादू किया और वो परी से एक मामूली लड़की में बदल गई। अब चलो। चिन्मय परी को अपने साथ घर ले आया और घर जाकर उसने सब कुछ अपनी माँ को बताया। अम्मा, परी के ठीक होने तक हमें उसका ख्याल रखना ही होगा। हाँ बेटा, तू वैद्य जी के पास जाकर मरहम ले आ। नहीं नहीं, मरहम की जरूरत नहीं है, परियां अपनी खुद की शक्ति से ही ठीक हो जाती हैं। बस हमें खाना और आराम की जरूरत होती है अम्मा। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं सबके खाने का इंतजाम करती हूँ। परी वहीं लेट गई और चिन्मय और सरस्वती घर के बाहर आए। परी हमारी मेहमान है, हमें उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए। हाँ अम्मा। बेटा, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, पर ये ताजी सेंग की फलियाँ उगी हैं। सोचा था कुछ दिन बाद तेरे जन्मदिन पर बनाऊंगी, पर अब परी के लिए यही बना देती हूँ। हाँ अम्मा, जैसे आपको ठीक लगे। इन दोनों की सारी बातें परी ने सुन ली और उनके वहाँ से जाने के बाद परी ने सेंग की फलियों के पौधे पर जादू किया। सरस्वती ने सेंग की फलियों से स्वादिष्ट सांबर बनाया और चावल के साथ परी को परोसा। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये सेंग की फलियाँ मैंने खुद उगाई है ना? मैं जानती हूँ अम्मा। परी ने भोजन किया और उसकी शक्तियाँ बढ़ गई। फिर उसने खुद अपने आप ही अपने घावों को भर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परी लोग लौट सकती हूँ अम्मा। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। ये हमारा धर्म है बेटा। अम्मा, मैं आपको कुछ देकर जा रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिएगा। आपके सेंग की फलियों के पेड़ जादुई बन चुके हैं, आप जितनी बार भी सेंग की फलियाँ निकालेंगी ये उतनी बार उगेंगी। अब जितनी मर्जी उतना सांबर बनाकर खाइए। शुक्रिया चिन्मय, तुम बहुत अच्छे हो।
परी उड़कर वहां से चली गई। सरस्वती और चिन्मय बाहर आए और उन्होंने कुछ सेंग की फलियां तोड़ ली और वापस वहां नई फलियां उगाई। ये देखकर दोनों खुश हो गए। अब तो हम जब मर्जी सांभर बना सकते हैं चिन्मय। अम्मा, सांभर बनाकर बेच भी सकते हैं। हाँ। चिन्मय और सरस्वती ने ढेर सारी सेंग की फलियां तोड़ ली और उन फलियों से ढेर सारा सांभर बनाया और साथ में चावल भी पकाए। मैं ये सांभर चावल बेच कर आता हूँ अम्मा। सांभर चावल का डिब्बा लेकर चिन्मय बाजार पहुँचा। लोग उसका सांभर चावल खाते और उसे पैसे देते थे। उस दिन से सरस्वती रोज जादुई सेंग की फलियां तोड़कर उससे सांभर बनाया करती थी। चिन्मय इन सांभर चावल को बाजार में बेचता था। जादुई सेंग की फलियों से बना सांभर चावल चिन्मय और सरस्वती की आजीविका का साधन बन गया। उसके बाद सरस्वती कभी किसी के घर काम करने नहीं गई, ना ही चिन्मय लकड़ियां काटने जंगल गया। अब वो लोग सांभर चावल बेच कर ही अपना गुजारा कर रहे थे। गोपाल और जगन दो भाई थे। गोपाल का गांव में एक छोटा सा ढाबा था और जगन शहर में एक कैंटीन चलाता था। गोपाल का ढाबा अक्सर खाली रहता था, बल्कि जगन का कैंटीन हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। और इसी वजह से गोपाल की आमदनी बहुत कम थी और जगन की बहुत ज्यादा। गोपाल को अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना था। शोभा, इस महीने भी बस 10,000 की कमाई हुई है, इतने कम पैसों में कैसे होगा सब? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इस बरस मैं राधा का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर इस बरस नहीं हो पाया तो अगले बरस कर लेंगे। इस साल राधा सरकारी स्कूल में ही चली जाएगी। यही बात पिछले साल भी तुमने बोली थी। कैसा बाप हूँ मैं, अपनी बेटी का एडमिशन भी नहीं करवा पा रहा हूँ। अब आप जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हैं ना, आपकी मजबूरी है। हौसला रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गोपाल बहुत निराश था। उसने अपने भाई जगन को फोन लगाया। हाँ भैया, बोलिए। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है। अच्छा सुन, मुझे तेरी मदद की जरूरत थी। राधा के एडमिशन के लिए पैसों की जरूरत है। अब आपसे क्या छुपाए भैया, आजकल कमाई ही नहीं है। मैं यहाँ कैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है। अगर मुझसे हो पाता तो मैं जरूर करता। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। जी भैया। जगन ने अपने बड़े भाई को सरासर झूठ बोल दिया। जगन की कमाई तो दिन दुगनी रात चौगनी हो रही थी, पर वो स्वार्थी था। भैया को लगता है कि मेरे पास पैसों का पेड़ है, जब आफत आई कॉल लगाया, पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा है मैंने भैया को झूठ बोल दिया, अब वो दोबारा मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे। और यहाँ गांव में गोपाल सोच रहा था कि वो क्या करे। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ज्यादा ग्राहक आए, पर क्या करूँ। वो सोच ही रहा था कि तभी उसके ढाबे के सामने दो साधु महाराज आए। इतनी देर से चल चल कर बहुत भूख लगी है, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और यहाँ इस गांव में किसी ने हमें भिक्षा भी नहीं दी, अब हम क्या कर सकते हैं। गोपाल बहुत दयालु था, उसने दोनों साधु महाराजों को अपने ढाबे में बुलाया। आइए महाराज, अंदर आइए। पर बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है और मेरे पास खाना है। बड़े ही धनी इंसान हो तुम। नहीं महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब कि मैं अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवा पा रहा। मेरी बेटी का एडमिशन मेरे बस में नहीं है, पर आपको भोजन तो करवा ही सकता हूँ। आप बैठिए, मैं अभी भोजन लेकर के आता हूँ। गोपाल दोनों साधु महाराज के लिए दाल मखनी और रोटियाँ ले आया। धन्यवाद बेटा। भूखे साधुओं ने भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। जब उनका भोजन हुआ तो गोपाल उनके पास आया। तुम बहुत ही निस्वार्थी हो, तुम्हारी अच्छाई ने मेरे मन को मोह लिया है बेटा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एक जादुई मंत्र, ओम अन्नपूर्णाय नमः। अब से रोज तुम दाल मखनी बनाते वक्त इस मंत्र का जाप करना और हर दिन कम से कम 10 गरीबों को खाना खिलाना। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करें। जी महाराज। गोपाल ने दोनों साधुओं का आशीर्वाद लिया
और वो साधु वहाँ से चले गए। अगली सुबह गोपाल ने अपना ढाबा खोला, सफाई की और फिर खाना बनाने की शुरुआत की। उसने दाल चढ़ाई। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। गोपाल दाल मखनी बनाते बनाते उस दिव्य मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी दाल मखनी बन गई, उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। अरे भाई, क्या दाल मखनी मिलेगी? हाँ हाँ, अभी लाया। मुझे भी दाल मखनी चाहिए भाई। आप सभी लोग बैठिए, मैं सबके लिए दाल मखनी लाता हूँ। गोपाल जैसे जैसे दाल मखनी बनाता गया, वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। फिर दोपहर के वक्त कुछ गरीब लोगों को उसने दाल मखनी खिलाई। भगवान तेरा हमेशा भला करे। धन्यवाद भैया। उस दिन सुबह से शाम तक गोपाल दाल मखनी बनाता गया और ग्राहक दाल मखनी खाते गए। आज शाम को जब गोपाल ने अपना ढाबा बंद किया तो कमाए हुए पैसे देखकर वो खुद हैरान था। एक ही दिन में 10,000 रुपए? तो बाप रे। वो खुशी खुशी घर गया और अपनी पत्नी शोभा को सब कुछ बता दिया। उन साधुओं ने तो हमारे सारे कष्ट ही हर लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा का एडमिशन जल्दी हो जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हाँ बिल्कुल। अगले दिन भी वही हुआ। गोपाल दाल मखनी बनाते वक्त मंत्र का जाप कर रहा था और दाल मखनी बनते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। इस दिन भी गोपाल ने कई गरीबों के पेट भरे। कुछ ही दिनों में गोपाल का छोटा सा ढाबा अब एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया था। गोपाल की बेटी राधा का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो गया था और रोज गोपाल अपनी कार में राधा को स्कूल छोड़ने जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ महीनों बाद जगन गांव आया और गोपाल का घर देखकर हैरान हो गया। लगता है भैया को कोई कोहिनूर का खजाना मिल गया है। कुछ दिनों पहले तक ये मुझसे पैसे मांग रहे थे और अब इतनी सारी शोहरत। जगन गोपाल के घर गया। अरे जगन, शोभा देखो जगन आया है, उसके लिए कुछ नाश्ता लाओ। अभी लाई। शोभा चाय नाश्ता लेकर आई और प्लेट में काजू बादाम रखे थे। भैया बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? मैं जानता हूं तू क्या पूछना चाहता है, यही ना कि इतने पैसे कैसे कमाए? हाँ भैया, अब ये तो अच्छे कर्मों का फल है। एक दिन मेरे ढाबे पे 2 भूखे साधु आए थे। गोपाल ने जगन को सारी कहानी बताई। आज ये जो कुछ भी है वो उस जादुई मंत्र की वजह से है। भैया क्या आप मुझे भी वो मंत्र सिखाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तू मेरा भाई है, मैं तुझे दाल मखनी बनाना भी सिखाऊंगा और वो मंत्र भी सिखाऊंगा। फिर तो मैं भी आपकी तरह अमीर बन जाऊंगा। पर याद रखना, तुझे रोज 10 गरीबों को दाल मखानी खिलानी होगी। जी भैया। गोपाल जगन को अपने घर के किचन में ले गया। यहाँ उसने जगन को दाल मखनी बनाना सिखाया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। जगन अब जादुई दाल मखनी बनाने की पूरी विधि सीख चुका था। उसने अपने भैया का धन्यवाद किया और फिर शहर लौट आया। उस दिन वो अपने कैंटीन गया और दाल मखनी बनाना शुरू कर दिया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। और साथ ही वो मंत्र का जाप भी कर रहा था। अब जल्दी ये सब बिक जाएगी और मुझे ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। जगन की दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए। मुझे दाल मखनी देना। और मुझे भी। जगन खुश था कि दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए, पर फिर उसके कैंटीन पर कुछ गरीब आए। भैया कई दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दे दो। अरे हट भिखारी, कैंटीन खुला नहीं कि आ जाते हैं, भाग यहाँ से। जगन ने उस गरीब बच्चे को डांट फटकार कर भगा दिया और उसके साथ उसके ग्राहक भी भाग गए। उसके बाद उसकी कैंटीन में एक भी ग्राहक नहीं आया। जगन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कारण है। भैया के ढाबे पे तो भीड़ लगी रहती थी,
मेरे कैंटीन में कोई क्यों नहीं है? मैंने तो बिल्कुल उन्हीं की विधि अपनाई। लगता है जादू वादू कुछ नहीं है। भैया ने मुझसे झूठ बोला है। वो मुझे सच बताना ही नहीं चाहते थे। उन्हें खजाना मिला होगा और मुझे कुछ देना ना पड़े इसलिए ऐसा बोला होगा। जगन को उस मंत्र के जादुई होने पे विश्वास नहीं रहा। उस दिन के बाद उसने कभी वापस कोशिश नहीं की। जगन को अपनी गलती समझ नहीं आई कि उसे गरीबों को भी भोजन करवाना था। गोपाल मंत्र के जाप और अपनी अच्छाई से रईस होता गया और जगन वही छोटे से कैंटीन में बैठा रहा। अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है।